हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव स्लाइसिंग की और कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देख सकते हैं स्लाइसिंग करवाई है मैंने और यहां पे कॉलन लगाया है। अब देखिए ए में माई पाइथन स्टोर है, ये देख सकते हैं ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करवा रहे हैं और यहाँ पे कॉलन से लेके कॉलन तक वो ना तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन है और ना ही एंडिंग इंडेक्स मेंशन है। ऐसे स्थिति में आपका जो रिजल्ट है वो ए में रखी हुई वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं F5 करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ही जो लिखा हुआ है माई पाइथन वो प्रिंट करके आ जा रहा है। लेकिन क्या होगा जबकि स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन है और एंडिंग इंडेक्स नहीं मेंशन है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स मेंशन है और एंडिंग इंडेक्स नहीं मेंशन है। तो देखिए यहां पर स्लाइसिंग स्टार्ट होगी तो कहां से स्टार्ट होगी, ये देखिए ये है 0, फिर ये है 1, ये है 2, यानी कि 1 पर आएगा वाई, ठीक है। तो एंटर जैसे ही प्रेस करते हैं तो वाई से लेकर लास्ट तक ये प्रिंट करेगा क्योंकि लास्ट वाला इंडेक्स दिया ही नहीं गया है। आई बात समझ में, ये माई का वाई है, देखिए पाइथन का वाई नहीं है, माई का वाई है, ठीक है। आयोग की बात समझ में आ रही होगी। देखिए मैं फिर दिखाता हूं, ये रिजल्ट आया है वाई के बाद पी वाई टी एन, पाइथन तो पूरा प्रिंट हुआ है लेकिन वाई पहला कैरेक्टर यानी जीत से इंडेक्सिंग स्टार्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जीत कर देता हूं, अब देखिएगा यहाँ पे किया और यहाँ पे टू कर देता हूं तो जीरो से लेकर टू तक, ठीक है, से लेकर टू तक आएगा क्या। तो एक बार चेक करते हैं, ये जीरो का, ये वन का, ये टू का, ठीक है, यानी P तक आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैं चलाऊंगा तो लास्ट इंडेक्स माइनस वन होता है, ठीक है ना, P तक ना आकर के लास्ट इंडेक्स माइनस वन। ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी पॉजिटिव स्लाइसिंग होती है लास्ट इंडेक्स माइनस वन होता है, पॉजिटिव स्लाइसिंग में लास्ट इंडेक्स माइनस वन होगा, ठीक है ना। मैं आपको और भी एग्जाम्पल इसमें दिखाने वाला हूं, चलिए आइए आगे देखते हैं। रामलिंगम, ये लिख दिया, एक नाम लिख दिया, ठीक है। अब एंटर कर दिया, यहां पे आए ए इज इक्वल टू प्रिंस कश्यप, ये लिख दिया। तो ये दो नाम हमने लिख दिया, ठीक है ना, तो ये दो नाम लिख दिया, दोनों ही स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट करवाता हूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर ए कॉमा बी करके प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट देंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही आपको प्रिंट होते हुए नजर आएंगे, पहले सेव करना होगा तो यहाँ पे किसी भी नाम से इसको सेव करते हैं डॉट पी वाई लगा करके, तो ये सेव हो जाए डॉट पी वाई, कुछ किसी भी नाम से इसको सेव करते हैं। तो देखिए ये सारा ही पूरा ही स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है, दोनों ही स्ट्रिंग को प्रिंट कर दे रहा है ए कॉमा बी देने पे, ठीक है ना, और बीच में ये गैपिंग भी रह रही है। लेकिन क्या होगा अगर ए प्लस बी दे दे, ठीक है, ऐसे में देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो ए प्लस बी एक बार दिखा देता हूं, वैसे ये मैंने पहले बताया है। तो यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में गैप नहीं आएगा, जब ए प्लस बी देंगे तो गैपिंग नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, अब यहां पर वापिस स्लाइसिंग पे आती है बात, तो स्लाइसिंग करवाएंगे हम फिर से, तो स्लाइसिंग चलिए करवाते हैं। तो यहां पर आए, यहां पर लिखा वन कॉलन थ्री, वन कॉलन थ्री का मतलब क्या होगा आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर रिजल्ट आने ही वाला है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, देखिए जीरो से स्टार्ट होगा लेकिन यहाँ वन से स्टार्ट किया गया, ठीक है ना, और ए को प्रिंट करवाया जा रहा है ना कि बी को। तो देखिए ए में पी जो है जीरो नंबर की इंडेक्सिंग पे है, तो यहाँ पे देखिए आर वन हो गया, आई टू हो गया, ठीक है, तो टू तक ही आएगा, लास्ट इंडेक्स माइनस वन होता है तो टू तक ही आएगा, यानी आर और आई प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए एक बार देखते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं आर और आई ही प्रिंट करके ये दे रहा है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी आप सभी को, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप जरूर सॉल्व कीजिएगा।